हेलो बच्चों, पार्टी। फिजिक्स के फॉर्मूले की प्रॉब्लम। सर, फिजिक्स के चैप्टर के फॉर्मूले एक साथ मिल जाते तो बड़ा ही अच्छा होता। तो आज के इस वीडियो के अंदर बच्चे आपकी इस प्रॉब्लम को ही खत्म कर देते हैं। मैं हूं आप सभी बच्चा पार्टी का बाबा एसएसपी। वेलकम टू दिस वेदांतुस मेड इजी प्लेटफॉर्म। बच्चा लो, अगर अभी तक आप इस फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं तो मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा बच्चा लोग कि जल्दी से नीचे जो सुंदर से रेड वाली बटन दबा करके भी पार्ट ऑफ दिस फैमिली एंड साथ ही साथ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू बी अपडेटेड by the latest video lecture and study motivation from this channel Bachcha Party. Yes, so let's start with chapter 1. आइए देखिए, मैं आपके सामने ही सब कुछ लिखते जा रहा हूँ। सबसे पहले हम chapter 1 की बात करते हैं, charge and electric field की। This is your chapter number 1, charge and electric field. सबसे पहला formula आता है एकदम starting में। आज पूरे chapter के equations ही देखते हैं बच्चा लोग कौन सा, और ये पूरा PDF मैं आपको Telegram के अंदर available कर दूंगा। तो सबसे पहला जो इक्वेशन आता है बच्चा लोग इस चैप्टर में, वो है Q इज इक्वल टू एनी चार्ज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाला, है ना, जहां पे n आपके लिए क्या होता है, इंटीजर नंबर, और e की फिक्स वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब। दूसरे नंबर पर जो इक्वेशन आता है वो है बच्चा लोग F इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। तीसरे नंबर पर इक्वेशन आता है बच्चा पार्टी F अपॉन में एफ एम इज इक्वल टू अप्सिलॉन अपॉन में अप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू अप्सिलॉन आर इज इक्वल टू कैपिटल के, जहां पे ये जो कैपिटल के है वो है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। दिस इज योर डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। स्मॉल के की जो वैल्यू है वो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर, और अप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.85 × 10⁻¹² कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर का स्क्वायर। दैट्स इट। ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग, नंबर 4 पर आते हैं इस चैप्टर में। तो फोर्स का इक्वेशन ये हो गया। अब इसके साथ साथ एक और इक्वेशन याद रखिए कि k इज इक्वल टू होता है 1/4π ε₀, है ना। उसके बाद नंबर 5 पे है इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, जहां पे क्यू आपका टेस्ट चार्ज हुआ, सोर्स चार्ज अलग होता है। नंबर 6 हम बात करें तो E इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। उसके बाद नंबर 7 पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक साथ लिख देता हूँ, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल लीनियर चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इज इक्वल टू, अच्छा कुछ भी भूलूँ तो आप भी चैट बॉक्स के अंदर कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिख देना, तो हम लोग इसके अंदर ऐड करके पीडीएफ आपको और अच्छे से प्रोवाइड कर देंगे। बट एक साथ आपके सामने इक्वेशन लिखते जा रहा हूं ताकि इक्वेशन की क्लैरिफिकेशन भी आपको अच्छे से हो पाए। तो ये इक्वेशन आ गए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो इसके अंदर हम घुसते हैं सीधा, वो है आपका एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ, एंड दैट इज क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। फिर उसके बाद नंबर 9 पर चलते हैं, फ्लक्स का एक और इक्वेशन है फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, और फाई इज इक्वल टू बच्चा लोग ई डॉट में ए। नंबर 10 एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ की बात कर लो। एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ में सबसे पहले आता है सेल की वजह से, स्फेरिकल सेल। आई थिंक ये हट चुका है बट फिर भी बता दूं, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नीट वालों को काम आ जाएगा, आउटसाइड अगर हम बात करते हैं तो के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, कंडीशन इज आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, ये है आर लेस देन कैपिटल आर। एंड ई सरफेस की अगर हम बात करते हैं तो ये आता है बच्चा लोग के क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर व्हेन आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, एंड व्हाट इज कैपिटल आर, कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ दैट स्फीयर। चलो ये हो गया सेल का। फिर सॉलिड स्फीयर की बात करते हैं, तो सॉलिड स्फीयर के अंदर का जो इक्वेशन है इनसाइड, उसका इक्वेशन होता है के क्यू डिवाइडेड बाय आर क्यूब स्मॉल आर, आर लेस देन कैपिटल आर इनसाइड। सरफेस पर चले जाओगे
तो के क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर, आउटसाइड जाओगे तो ये इक्वेशन आएगा के क्यू डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। ठीक, इसके साथ ही बच्चा लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। कितना हुआ था ये है आपका टोटल 11 इक्वेशन, है ना। आगे बढ़ते जाते हैं, ये पूरा शीट आपको एक साथ मिलेगा बच्चा लोग, आपके लिए ही लिखते चले जा रहे हैं। 11 नंबर 12 की बात करते हैं। नंबर 12 में आ जाता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सरफेस के लिए है E इज इक्वल टू सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। नंबर 13 पर आते हैं तो E इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाई आर, और इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हो E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड देन आर, राइट। चलो तो ये 13 इक्वेशंस आपके बोर्ड लिहाज से बहुत अच्छे। अगर आप नीट वाले बच्चा लोग हो तो एक और इक्वेशन हो जाता है कि वायर की वजह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से परपेंडिकुलर क्या होगा और उसके पैरेलल कंपोनेंट क्या होगा, राइट। तो ये आपका हो गया बेस्ट। अब आते हैं चैप्टर नंबर 2 पर आते हैं। चैप्टर नंबर 2 दैट इज योर पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो देखिए बच्चा लोग, कैपेसिटेंस और पोटेंशियल के इक्वेशन सबसे पहले कौन से हैं। सबसे पहला इक्वेशन आता है इसके अंदर, दैट इज वी इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई क्यू। पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में चार्ज। इसी का एक और वर्जन याद रखिए, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएंगे तो डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई क्यू। इसे ऐसे भी याद रख सकते हो, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई क्यू, अगर वो बी से ए पर आया तो। ठीक है, फिर नंबर 15 में पोटेंशियल किसी भी पॉइंट का जो होता है बच्चा, वो होता है माइनस इन्फिनिटी से लेकर के पी ई डॉट में डी आर। बड़ा इंटरेस्टिंग इक्वेशन है ये। उसके बाद नंबर 16 में दो पॉइंट के बीच का अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हो, वी ए माइनस में वी बी, है ना, तो ये इक्वेशन होगा माइनस में बी से लेकर के ए एंड देन ई डॉट में डी आर। आपने मेरे लेक्चर्स अटेंड करें, मैंने हमेशा याद करने का तरीका बताया कि ए पहले है तो ए को पहले रखो। ये हो गया आपका नंबर 16। आइए अगला नंबर आता है नंबर 17 आपके सामने। वन शॉट वीडियो के अंदर पूरा एग्जांपल, पूरा का पूरा फॉर्मूला आपके सामने लिख रहा हूँ बच्चा लोग, देखते चले जाएं, ठीक है, मजा आएगा, देखते हैं कितने जल्दी ये खत्म होता है। तो ये हो गया पोटेंशियल का इक्वेशन, हो गया ये, हो गया वो, हो गया। अच्छा ठीक है, एक और कंडीशन आती है बच्चा लोग, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका इक्वेशन है ई इज इक्वल टू माइनस में डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा एक्स, राइट। नंबर 18 पर आता है बच्चा पार्टी के पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, वी इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर। नंबर 19 पे आता है पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, के पी कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। मैं आप लोगों से इतना जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं हर इक्वेशन का कहां पर रोल है वो बता दे रहा हूं, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, तो आप प्लीज नोट डाउन, वो लिखते भी चले जाना साथ साथ में, ठीक है। नंबर 20 में घुसते हैं कैपेसिटेंस के अंदर, तो सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, राइट। नंबर 21 में चलते हैं, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी के बाद में बच्चा लो तो कैपेसिटेंस का एक और फॉर्मूला निकल के आता है, दैट इज ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी। नंबर 22 पर आते हैं मेरे लाल बाल गोपाल, श्री अंबे मात की जय। 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2, दिस इज फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। नंबर 23 C इज इक्वल टू C1 प्लस C2, दिस इज फॉर व्हाट, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ये हो गया। नंबर 24 में आ जाओ बच्चा लोग, सी डैश इज इक्वल टू सी इंटू के। जब कैपेसिटर के दो प्लेटों के बीच में आप स्लैब लगा दोगे, क्या बोला मैंने, कैपेसिटर के दो प्लेटों के बीच में आप स्लैब रख दोगे तो कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ जाएगा। नंबर 25, नया इलेक्ट्रिक फील्ड स्लैब के अंदर पहले वाले के कंपेरिजन में के टाइम्स डिवाइड हो जाता है। कैपेसिटर की एनर्जी का इक्वेशन, That is 1/2 C V का स्क्वायर, और आप कह सकते हो Q का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C, ठीक है। चलिए तो ये आपके इक्वेशन हो गए, कैपेसिटर की एनर्जी हाफ C V स्क्वायर, Q स्क्वायर बाई 2C, एक और बच गया है एंड दैट इज एनर्जी डेंसिटी ऑफ द कैपेसिटर एंड दैट इज 1/2 E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, बराबर। अब मुझे नहीं लगता कैपेसिटेंस में कुछ बचा है पोटेंशियल में, पहले ये इक्वेशन हो गए, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन हो गया, कैपेसिटेंस का इक्वेशन आ गया, सी एप्सिलॉन बाई डी, सीरीज पैरेलल सी डैश सी के, इलेक्ट्रिक फील्ड, इतना ये इनफ है बच्चा,
बराबर। और इसे इस तरह से अच्छे से एक साथ देखते रहिएगा, सुबह शाम देखते रहिएगा, आपको याद होने लग जाएंगे। चलो चैप्टर थ्री के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, आ जाइए चैप्टर नंबर थ्री में। कितना हुआ टोटल भाई साहब? 28। अब बात करते हैं हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की। सबसे पहला इक्वेशन करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, एवरेज करंट I इज इक्वल टू डेल्टा Q बाई डेल्टा T, और इंस्टेंटेनियस करंट I इज इक्वल टू डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी, राइट। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है 29 नंबर पे, अगर I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी है तो चार्ज कैसे निकालेंगे? तो इंटीग्रेशन I डॉट डी ए से। नेक्स्ट है नंबर 30 की बात कर लो, अगर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है किसी भी एटम के न्यूक्लियस के आसपास में, तो करंट का इक्वेशन Q बाई टी के हिसाब से एनी बाई कैपिटल T एंड दिस वन अपॉन टी इज वॉट? टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी। तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो E इंटू एफ, ये तो एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इसको आप n बराबर 1 कंसिडर कर लीजिए, और 1 बाई टी इज फ्रीक्वेंसी। नंबर 31 करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू I बाई ए। नंबर 32 ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या इक्वेशन होगा बच्चे लोग? E tau अपॉन में m। पता चला कि प्राण निकल गए, सही तो जा रहा हूं ना यार मैं। F इज इक्वल टू ma, आपके सामने ही चेक करूंगा, a बराबर में ee अपॉन में m vd बाई tau, सही है, ee tau बाई m। अच्छा हाँ पता चल गया, ee tau बाई m होगा। इसे करेक्ट करते हैं बच्चा पार्टी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आया कैपिटल ee बाई एम इंटू टाउ, टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। तो ये इक्वेशन आया। नंबर 32 के बाद बात करते हैं नंबर 33, रिलेशन बिटवीन जे एंड वी डी, जे इज इक्वल टू एन ई वी डी। नंबर 34 बच्चा पार्टी, जे बराबर में सिग्मा इंटू ई, वॉट इज सिग्मा? कंडक्टिविटी। नंबर 35 सिग्मा बराबर एन स्क्वायर टाउ बाई एम। मैं कैसे सही हूं गलत हूं मेरे को तब से पता चल जाएगा। टाउ क्या होता है? रिलैक्सेशन टाइम। कंडक्टर रिलैक्सेशन टाइम घटता नहीं, एम बाई एन स्क्वायर टाउ होना चाहिए। सिग्मा एम बाई एन स्क्वायर टाउ, अब सही है। टेम्परेचर बढ़ता है कंडक्टर में तो रिलैक्सेशन टाइम घट जाता है, रिलैक्सेशन टाइम घटता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो कंडक्टिविटी घटनी चाहिए। आई थिंक आई एम रॉन्ग, एन स्क्वायर टाउ बाई एम होना चाहिए, एन स्क्वायर टाउ बाई एम, ये कम तो, हाँ 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 सही 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 सही, एन स्क्वायर टाउ अपॉन में एम, करेक्ट, परफेक्ट है। अब 36 की बात करते हैं, इसका अपोजिट कर दो, तो m अपॉन में एन ई स्क्वायर एंड देन टाउ। देखो सोचो ना, ऐसे सोचो ना, एक कंडक्टर के बारे में इमेजिन करो, शुक्ला जी इसी चलाओ यार, एक कंडक्टर के बारे में इमेजिन करो, कंडक्टर के अंदर टेम्परेचर बढ़ाते हो, वाइब्रेशन फास्ट हो जाता है तो रिलैक्सेशन टाइम घट जाता है, तो उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है, सही तो है, रिलैक्सेशन टाइम घटा रेजिस्टिविटी बढ़ गई, बिल्कुल सही है। नंबर 37 बाबा ओम्स लॉ, तुमने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, v इज इक्वल टू I इनटू R। नंबर 38 बच्चा पार्टी, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, दैट्स इट, रो इज रेजिस्टिविटी, एल इज लेंथ, ए इज व्हाट एरिया, 38 तक पहुंच गए। सीरीज पैरेलल की इतनी खास आवश्यकता नहीं है, फिर भी जानना चाहते हो तो सीरीज कॉम्बिनेशन में R1 प्लस R2 प्लस टेस्ट टेस्ट टेस्ट, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो रेजिस्टेंस है तो R1 इंटू R2 अपॉन में R1 प्लस R2। चलो नंबर 40, नंबर 40 की मैं बात करूं तो अगर सेल सारे के सारे सीरीज में हैं इस तरह से, ठीक है, ये E1 ये E2 ये E3, तो इसका जो E इक्विवेलेंट होगा वो E1 प्लस में E2 होगा, और जो R इक्विवेलेंट होगा वो R1 प्लस में R2 होगा, और अगर आपको इसके साथ में कोई कैपिटल R रेजिस्टेंस वायर लगा दिया तो करंट थ्रू सीरीज कॉम्बिनेशन ऐसा लिख दूं, तो E इक्विवेलेंट अपॉन में R प्लस R इक्विवेलेंट। अगर N आइडेंटिकल सेल है, प्लीज मैं लिख रहा हूं
बोल रहा हूं तो प्लीज उसे नोट भी करते रहना। अगर एन आइडेंटिकल सेल है तो इसके जगह पर एनी आएगा अपॉन में आर प्लस एन आर, दैट्स इट। अब नंबर 41 की बात करें, अगर आपके ई एम एफ ई वन है, रेजिस्टेंस आर वन है, ऐसे आपके पास में ई टू है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर टू है, वो कनेक्ट है किसी इस तरह के कैपिटल आर वायर के साथ, तो पहले इसका ओवरऑल इक्विवेलेंट देखिए। तो ओवरऑल जो इक्विवेलेंट होगा, हाँ, ई वन बाई आर वन प्लस ई टू बाई आर टू अपॉन वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन में आर टू, डैश 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 जितने भी है सिस्टम पूरा का पूरा। और जो आर इक्विवेलेंट है वो आपका इस तरह से निकलेगा, जैसे कि पैरेलल आप निकालते हैं, आर वन प्लस वन अपॉन में आर टू, राइट। हाँ, अगर ये आइडेंटिकल हो तो इसमें से चलने वाली करंट मैं आपको बता देता हूं, पैरेलल कॉम्बिनेशन आइडेंटिकल के अंदर से जो करंट चलता है फॉर्मूला यही रहेगा, ई इक्विवेलेंट अपॉन में आर प्लस आर इक्विवेलेंट, लेकिन ई इक्विवेलेंट की जगह पर ई ही रहेगा क्योंकि सबके सब पैरेलल हैं, पैरेलल में वोल्टेज चेंज नहीं होता। तो ये ई अपॉन में आर प्लस ये हुआ बच्चा लोग आर अपॉन में एन। क्यों आर बाई एन? क्योंकि वन बाई आर वन बाई आर वन बाई आर वन बाई आर ऐसे एन टाइम्स है, तो एन बाई आर वन बाई आर इक्विवेलेंट उल्टा करा तो आर बाई एन, यानी सॉल्यूशन करोगे तो एनी अपॉन में एन आर प्लस में आर। आप देखोगे ऐसा सीबीएसई ने बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। 42 डन, 43 की बात करते हैं, कुछ भी छूटे तो बताना एक साथ वन शॉट सुपर फास्ट धड़ाधड़। चलिए 42 की हम बात करते हैं बच्चा लोग, 43 तो करंट हो गया। अच्छा, मिक्स ग्रुपिंग आइडेंटिकल है, और अगर मिक्स है मतलब एन सेल सीरीज में और ऐसे ही टोटल एम रॉज है, कतार है, तो सीरीज में थे एन अपॉन में आर प्लस एन आर बाई एम। ये कहां से आया एनआर? एक रॉ में एन आइडेंटिकल सेल है तो एनआर 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 एक एक रॉ का एनआर हुआ, ऐसे टोटल एम कतार है, तो अगर एक का एनआर ऐसे टोटल एम पैरेलल में तो एनआर बाई एम, जस्ट लाइक आर बाई एन वैसे ही एनआर बाई एम। सॉल्व करा तो ये आ गया एम एन ई अपॉन में एम आर प्लस में एन आर। चलिए 44, जब एक पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में रिलेशन फाइंड करते हैं तो V बराबर में E माइनस में आई आर, जहां पे R आपको पता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस है। हालांकि इसे आप ऐसे डिराइव कर सकते हो सिंपल तरीके से E अपॉन में R प्लस R, क्योंकि बैटरी जब लगती है उसके साथ इंटरनल रेजिस्टेंस आता है, एक्सटर्नल वाला रेजिस्टेंस इंटरनल के साथ सीरीज में हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ढिचकियाँ करके आई आर आएगा, और आई आर की जगह पर वी लिखा है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से डायरेक्ट रिजल्ट मिलता है। 45 की बात करते हैं पावर, तो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम एंड दैट इज आई स्क्वायर आर टी अपॉन में टी से टी कटीला, तो ये आता है आई स्क्वायर इंटू आर। ये आपका एनर्जी का इक्वेशन है, हाँ पावर का इक्वेशन आई स्क्वायर आर। या फिर दूसरा 46 देख लो, 46 पी इज इक्वल टू वी इंटू आई। 47 बच्चा लोग पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, ये आप सब जानते होंगे कि सबको हमने क्या करा है इंटरनली चेंज करा है, आई के जगह पर वी बाय आर रखोगे तो वी स्क्वायर बाय आर होगा, और ये जो है वी के जगह आई आर लिखोगे तो आई स्क्वायर आर आ जाएगा, तो ये पावर का गेम भी खत्म हो गया। चलिए तो आपका सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ये वो, हाँ अब तो असली मजा आएगा। 48 ये बता दो किसके लिए है, आर वन बाई आर टू आर थ्री बाई आर फोर, दिस इज फॉर वेस्टर्न ब्रिज। मीटर ब्रिज के अंदर है आर वन अपॉन में आर टू इज इक्वल टू एल वन अपॉन में 100 माइनस एल वन, दैट इज मीटर ब्रिज। 50 नंबर पर आता है पोटेंशियोमीटर का पोटेंशियल ग्रेडियंट, के लिखो और सिग्मा लिखो, दैट इज वोल्टेज कोई भी दो पॉइंट के बीच का अपॉन में लेंथ, पोटेंशियल ग्रेडियंट। और सच्चा वाला जो इसका इक्वेशन होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट का, V by L है। लेकिन बच्चा पार्टी किसी भी दो पॉइंट के बीच का अगर आपको निकालना है तो मैं आपको बता दूं E अपॉन में, अगर EMF एक्सटर्नल E है, अपॉन R प्लस L रो प्लस स्मॉल R इंटू रो इंटू L। रो क्या है पता है?
रो इज रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, ठीक। तो ये जो वोल्टेज है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल हो जाता है, इसलिए यहाँ से के और जो सिग्मा है उसका इक्वेशन आएगा ई रो अपॉन में आर प्लस एल रो प्लस में स्मॉल आर, स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस, कैपिटल आर जो पोटेंशियोमीटर में वायर यूज करते हो उसका रेजिस्टेंस, और एल रो जो सॉरी एल रो टोटल रेजिस्टेंस, और आर अगर आपने पोटेंशियोमीटर के एक्सपेरिमेंट में रेजिस्टेंस बॉक्स यूज करा है तो। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन के अंदर ये नहीं होता तो जीरो कंसिडर कर लेने का, दैट्स इट, पोटेंशियोमीटर भी हो गया। अब कुछ बाकी है, वेस्टर्न ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, दैट्स इट, ध्यान टन टन 50 इक्वेशन आपने कर लिए भाई साहब 20 मिनट के अंदर। चलिए और धड़ाके के साथ करते हैं 52 नंबर पर नया चैप्टर आ जाएगा, चैप्टर नंबर 4, दैट इज मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। सबसे पहले आएगा कौन, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म सबसे पहले कौन आएगा, बायो सावर्ट लॉ। बायो सावर्ट ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, DB इज इक्वल टू, ये तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, IDL म्यू नॉट IDL साइन थीटा अपॉन में 4 पाई आर का स्क्वायर। 53 इन्फाइनाइट रिंग की वजह से तो म्यू नॉट NI ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर में 3/2, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए बच्चा लोग, कितने हुए 52 ना, 54। चलो रिंग हो गया, रिंग के बाद आता है बच्चा पार्टी एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ, क्लोज लूप बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड। 55 इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर के लिए म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई वाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। 56 अब बात करते हैं हम लोग आर्क की वजह से, तो आर्क का होता है म्यू नॉट आई थीटा अपॉन में 4 पाई आर। 57 बच्चा लोग सोलेनॉइड, म्यू नॉट स्मॉल एन आई और यू कैन से म्यू नॉट एन आई अपॉन में एल। देन वी हैव 58 टोरॉइड, म्यू नॉट अगेन स्मॉल एन आई बट दिस टाइम दिस स्मॉल एन इज व्हाट, कैपिटल एन आई अपॉन में 2 पाई आर, राइट। चलिए सोलेनॉइड भी खत्म, 58 तक पहुंच गए, आगे आ जाओ बच्चा 59 देख बच्चा पार्टी 59। तो टोरॉइड सोलेनॉइड, अब इस चैप्टर में आगे क्या आता है, यस टॉर्क ऑन रेक्टेंगुलर कॉइल। तो टॉर्क इज इक्वल टू एम क्रॉस बी आर, पहले चैप्टर में टॉर्क रह गया याद दिला देना, ठीक है, डाइपोल रह गया और इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी बच्चा पार्टी उसे मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। पहले चैप्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की वजह से, डाइपोल मोमेंट और उसकी परपेंडिकुलर एक्सिस पे, और टॉर्क का इक्वेशन है इसकी बात कर लेते हैं। तो टॉर्क इज इक्वल टू एम क्रॉस बी, ठीक है, ये हो गया। इसका दूसरा वर्जन होता है टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, और एम का निया लगाई दे, निया मतलब ओडिशा में कहते हैं आग लगा देना, तो उससे याद कर सकते हो, ये आ गया आपका, ठीक है। चलो नंबर 60, राइट, नंबर 60 पर बात करते हैं गैल्वेनोमीटर का वर्किंग। तो उसमें आया था एन आई ए बी इज इक्वल टू के फाई, फाई इज एंगल, के इज टोरिजनल कॉन्स्टेंट। अगर हम फाई बाई आई करते हैं तो इसको कहते हैं करंट सेंसिटिविटी। फॉर्मूला आएगा एन ए बी डिवाइडेड बाई के, और फाई बाई आई आर कर दो तो वोल्टेज हो जाएगा, दैट इज वोल्टेज सेंसिटिविटी एन ए बी डिवाइडेड बाई के आर, डन। नंबर 60 भी हो गया। नंबर 61 की बात करते हैं, नंबर 61 में आता है शंट। शंट का इक्वेशन है आई जी इंटू जी अपॉन में आई माइनस में आई जी। नंबर 62 की बात करते हैं तो सीरीज रेजिस्टेंस जो आप लगाते हो शंट वोल्टमीटर को, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो वो आता है V अपॉन में IG माइनस में G, जहाँ पे G गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है और IG उसकी टोटल करंट है जो उसमें से चलती है। और इस चैप्टर में से कुछ बचा, हो गया ऑलमोस्ट मेन इक्वेशंस कवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा फिक्स लेंथ के लिए बच गया। तो फिक्स लेंथ के लिए होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस
साइन थीटा वन प्लस में साइन थीटा टू, राइट। ये हो गए आपके इक्वेशन। चलिए अब थोड़े से इलेक्ट्रोस्टैटिक के जो रह गए थे 64 से कंटिन्यू करते हैं, यानी कि चैप्टर वन का रिमेनिंग कुछ यहाँ पे है बच्चा। तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की, तो क्यू इंटू टू एल होता है। 64 की अगर हम बात करें तो एक्सिस की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड के डाइपोल के एक्सिस पे, तो ई इज इक्वल टू 2 के पी जेड अपॉन जेड स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और जेड एक्सिस माना मैंने उसी के एक्सिस पे। अगर आपका जेड ग्रेटर ग्रेटर देन एल है तो यही इक्वेशन बन जाता है 2 के पी अपॉन में जेड का क्यूब। एम आई करेक्ट? हाँ डन, सही है। 64 इक्वेटर पे चले जाओ, परपेंडिकुलर एक्सिस, तो के पी अपॉन में वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर में 3/2, ठीक है। और अगर y ग्रेटर ग्रेटर देन a है, y वो डिस्टेंस है एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये आपका इक्वेशन बन जाता है फॉर दिस, दिस बिकम्स के पी डिवाइडेड बाय y का क्यूब। चलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक का भी डन, 65 डन। आइए एकदम रफ्तार में बच्चा पढ़ी नया चैप्टर लेते हैं, चैप्टर नंबर 5 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। बहुत छोटा सा चैप्टर, क्या बोलते हो शुक्ला जी? यस सर जी। रफ्तार कैसा है शुक्ला जी? बहुत तेज है सर जी। और शुक्ल? बढ़िया बस सर। बढ़िया बस सब? यस सर। तो शुक्ला जी जो है भोजपुरी गाते गाते भोजपुरी में बोलने की आदत कर ली है बच्चा लोग। सो 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 माय लाल बाल गोपाल, जोश कम नहीं होना चाहिए। वी हैव लैक्स 15 मिनट और ये पार्ट वन पूरी फिजिक्स का आपको चढ़ा के जा रहा हूं बच्चा लोग। तो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसके अंदर जो इक्वेशन आता है, इक्वेशन आता है, इक्वेशन आता है, वो आता है यार आपके अर्थ मैग्नेटिज्म से, क्योंकि इससे पहले जो भी है वो सब सिलेबस से जा चुके हैं। तो अगर हम बात करें कहाँ तक पहुँचे भाई, 66 पे, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बी एच कॉस थीटा, वर्टिकल बात करें तो बी साइन थीटा, फिर अगर नेट की आप बात करते हो तो बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बी एच का स्क्वायर प्लस में बी वी का स्क्वायर। 68 अगर आपको चाहिए एंगल ऑफ डीप, तो टेन फाइव इज इक्वल टू बी वी अपॉन में बी एच। लो खत्म भाई साहब। 69 मैग्नेटाइजेशन का इक्वेशन, एम इज इक्वल टू स्काई एम एच। 70 अगर आपको एच चाहिए तो एच इज इक्वल टू स्मॉल आई एफ होता है, और इसका इक्वेशन होता है बी बाई म्यू नॉट माइनस में कैपिटल एम। 71 मैग्नेटाइजेशन के टाइम में जो कोर के अंदर, सोलेनोइड के अंदर रखा था, उसके अंदर नेट मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन म्यू एच, और म्यू के जगह पे लिख सकते हो म्यू नॉट म्यू आर इन टू एच। नंबर 72 म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट वन प्लस स्काई एम, स्काई एम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। और अगर आप म्यू आर की बात करते हो 73, तो म्यू आर इज इक्वल टू वन प्लस स्काई एम, यहीं से एम म्यू नॉट नीचे कर दो। 74 म्यू बाई म्यू नॉट इज इक्वल टू म्यू आर, दैट्स इट, चैप्टर ओवर। तो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, सॉरी मैग्नेटिज्म एंड मैटर होना चाहिए। क्या बोलते हो शुक्ला जी, और सब बढ़िया? सब बढ़िया सर जी। क्यों लेकिन? आपकी कृपा है सर जी। हमारी कृपा होनी चाहिए कि शुक्लाइन की कृपा होनी चाहिए? सर आपकी कृपा। क्या बात करते हो सर जी। तो चैप्टर 5 में शुक्ला जी खत्म सर जी, चैप्टर 6 में आता है 75। चैप्टर 6 है बच्चा लोग आपका ईएमआई, अरे मुरी माई। चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लो भाई साहब 75 में सबसे पहले आता है एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या इक्वेशन होगा? डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी माइनस में एन ए डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, एन नंबर ऑफ टर्न्स है। 76 इंस्टेंटेनियस की अगर हम बात करते हैं तो माइनस में डी फाई बाई डी टी, नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। नंबर 77 बच्चा लोग मोशनल ई एम एफ, ई इज इक्वल टू बी वी एल। नंबर 78 बच्चा पार्टी, अगर किसी रॉड को घुमा रहे हो जिसका लेंथ आर है इन मैग्नेटिक फील्ड, तो ई एम एफ का इक्वेशन बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई टू। नंबर 79 मेरे लाल, तो आता है सिर्फ हमारा सीधा हमारा सेल्फ इंडक्टेंस, एल इज इक्वल टू एन फाइव बाई आई। नंबर 80 में आ जाता है ई एम एफ,
सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस में एल डीआई बाई डीटी, फिर 81 में आता है इंडक्टर की एनर्जी दैट इज 1/2 एलआई का स्क्वायर, फिर आता है इंडक्टर की एनर्जी डेंसिटी, ये तो इसको यू से रिप्रेजेंट करना चाहिए, यू बी 1/2 एलआई का स्क्वायर, इंडक्टर की एनर्जी डेंसिटी बी स्क्वायर 2 म्यू नॉट, राइट। 83 बच्चा लोग, 83 में आएगा मेरे लाल बाल गोपाल म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ M21 इज इक्वल टू N52 डिवाइडेड बाई I1, N52 डिवाइडेड बाई I1 83, ठीक। अब बात करते हैं 84 की, चलो सब सुपर फास्ट रफ्तार। तो म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ E2 इज इक्वल टू माइनस में एम डी आई वन अपॉन में डी टी। 85 जनरेटर के लिए सीधा हो गया वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, जहां पे वी नॉट है एन ए बी एंड देन ओमेगा। यो 85 डन, चैप्टर डन, कुछ बचा है इसमें? एवरेज इंड्यूस्ड मोशनल इंडक्टेंस ईएमएफ, हाँ हो गया 85 डन। आ जाओ नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7, अल्टरनेटिंग करंट। वाह क्या बात है, तो अल्टरनेटिंग करंट 86। तो बच्चा 86 पर अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला इक्वेशन निकल के आता है दैट इज IRMS I मैक्सिमम बाई रूट 2, और हम बात करते हैं VRMS की तो V मैक्सिमम बाई रूट 2। 87 किसी भी फंक्शन का एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा T का जो एवरेज वैल्यू है वो 1/T 0 से लेकर के T वी एम साइन ओमेगा T डी टी, और इसका आंसर आता है 0। 88 बच्चा लोग, सिर्फ रेजिस्टेंस है तो वोल्टेज V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, देर इज नो फेज डिफरेंस 0, यानी करंट और वोल्टेज विल लाई ऑन अ सेम लाइन फेजर डायग्राम। 88 89 रफ्तार एकदम, 89 होगा ओनली इंडक्टर के लिए वोल्टेज का इक्वेशन V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस में पाई बाई 2, और इसमें करंट जो होता है बेसिकली वोल्टेज से बच्चा लोग लैग करता है 90 डिग्री, और वोल्टेज लीड करता है 90 डिग्री। 90 पे बात करें ओनली फॉर कैपेसिटर, तो वोल्टेज V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस में पाई बाई 2। बात कर लें करंट की, तो वो इस बार वोल्टेज से लैग करता है 90 डिग्री, और वोल्टेज लीड करता है, सॉरी करंट लीड करता है और वोल्टेज लैग करता है 90। ओके 91 अगर हम बात करें, LCR सीरीज सर्किट साथ में अगर है LCR, तो इनसे चलने वाली करंट IRMS VRMS अपॉन Z के बराबर होती है, Z इज इम्पिडेंस एंड दैट इज R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। लो भाई साहब 92 में XL इज इक्वल टू इंडक्टिव रिएक्टेंस दैट इज ओमेगा इनटू L, ये हो जाएगा 2πfL XC 1/ωC 1/2πfC 92। 93 बच्चा पार्टी सीरीज रेजोनेंस में Z बराबर R, IRMS इज इक्वल टू VRMS अपॉन में R। 94 सीरीज रेजोनेंस के समय में ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC, दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। 95 बच्चा पार्टी फ्रीक्वेंसी F इज इक्वल टू 1/2π√LC, दिस इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, दिस इज रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। 96 मेरे लाल बाल गोपाल हाफ पावर बैंडविथ डेल्टा ओमेगा अपॉन में ओमेगा नॉट,
तो डेल्टा ओमेगा, अच्छा क्यू फैक्टर डायरेक्टली लिख देते ना, क्यू फैक्टर इज इक्वल टू वन अपॉन आर अंडर रूट एल बाई सी। ठीक, चलिए 96 बच्चा पार्टी, 97 में क्या आता है आपका सीधा ट्रांसफॉर्मर आ जाता है, ट्रांसफॉर्म, अच्छा पावर पी इज इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस डेल्टा, पावर फैक्टर कॉस डेल्टा, एंड वी हैव 98 दैट इज ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर के लिए सेकेंडरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल, फिर ये है आपका एन एस अपॉन एन पी, एंड देन वी हैव आई पी अपॉन में आई एस, 98। एनीथिंग एल्स चिट्टी, कुछ और बाकी है? 99 सोच लो, 99 ओमेगा नॉट वन अपॉन अंडर रूट एल सी, एंड फ्रीक्वेंसी हो गया, ये हो गया, अच्छा हाँ ये अपना ये याद रखो ई पी लेस देन ई एस है तो ये आपका स्टेप डाउन, और ई पी ग्रेटर देन ई एस है, ई पी लेस देन स्टेप, ये तो उल्टा लिख दिया मैंने, ईएस बड़ा ना तो स्टेप अप, दिस इज अ स्टेप अप, एंड ईएस लेस देन ई पी, ये हुआ आपका स्टेप डाउन। और एक चैप्टर इंक्लूड करते हैं ताकि आपका पार्ट वन खत्म हो जाए ना। सो बच्चे लोग एंट्री मार लेते हैं सीधा हमारे चैप्टर नंबर 8 में, एंड दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इसमें सबसे पहला इक्वेशन है बच्चा लोग कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू बी सी, 101 नंबर का इक्वेशन है, सी इज इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट में म्यू नॉट अप्सिलॉन नॉट, 102 के अंदर है मोमेंटम इज इक्वल टू एनर्जी बाई सी, ध्यान से सुनना मोमेंटम इज इक्वल टू एनर्जी बाई सी, 103 के अंदर है बच्चा पार्टी यस इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन और मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन, तो वेक्टर में अगर करते हो ईवाई लिखते हो तो ये ई नॉट होगा साइन ओमेगा टी माइनस में के एक्स, और यहाँ पर आप जे कैप कर दीजिए। 104 के अंदर अगर हम बात करें, हाँ सुपर फास्ट रफ्तार है भाई, चलिए 104 की अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद मोमेंटम के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद यस, एंड दैट इज योर एनर्जी डेंसिटी, सो रो इज इक्वल टू ई स्क्वायर आर एम एस अप्सिलॉन नॉट। 105 की बात करें तो इंटेंसिटी आई इज इक्वल टू रो बाई सी पी बाई ए ई बाई टी ए एन एच एफ अपॉन में टी ए और एन एच सी बाई लैमड़ा टी एंड देन ए, इससे ज़्यादा कुछ होगा तो बोल देना पढ़ाना छोड़ दूंगा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता। 106 आई इज इक्वल टू रो सी होता है, हाँ बच्चा लोग रो इंटू सी। ठीक, नंबर 6 में है, इसको थोड़ा और चेंज कर देते हैं, रो के जगह पर ये आएगा तो ई स्क्वायर आर एम एस अप्सिलॉन नॉट एंड देन सी और बच्चा पार्टी ई नॉट का स्क्वायर बाई टू अप्सिलॉन नॉट एंड देन सी। पार्ट वन की पूरी फिजिक्स के जितने भी बोर्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो मैंने आपके सामने ही लिखा है, अभी लिखा है, और आपने देखा कि रफ्तार जैसे मुझे याद है वैसे आपको भी याद हो जाएगा, थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, एंड ट्रस्ट मी डियर स्टूडेंट आप इसी तरह से एक दो बार लिखें जैसे मैंने लिखा है याद करके कि चैप्टर में ये टॉपिक के बाद ये, तो मुझे याद है वैसे हर बच्चे को याद हो सकता है। तो अगर ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा बच्चा पार्टी, पूरी फिजिक्स का पार्ट वन का जितना भी फॉर्मूला है वो आपके सामने आ गया। अगर आप वीडियो को शेयर करते हो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देते हो तो दूसरा पार्ट कल ही परसों तक आपके पास पहुंच जाएगा, बिकॉज मुझे अपने शेड्यूल से टाइम निकाल करके एक्स्ट्रा वीडियो शूट करना है आपके लिए। सो प्लीज़ अपना प्यार जरूर दीजिएगा, एंड यस बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली बच्चा लोग, और मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताता हूँ कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पर प्रो सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है, तो अगर आप प्रो सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो सुप्रो कोड लगाना मत भूलना, एंड राइट नाउ देयर आर लॉट्स ऑफ बैचेस, तो प्रो सब्सक्रिप्शन के जो बेनिफिट हैं वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिखाई गए, और प्यारे से ब्यूटीफुल वीडियो के माध्यम से भी मैं आपको दिखा देता हूं।
सो बाय बच्चा पार्टी, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मॉम, टेक केयर बच्चा लोग, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।